स्वागत है। कोरोना काल में काम करने वाले वेरीफायर और हायर एनएम को मजदूरी नहीं मिलने पर सनोला प्रखंड में होगा महाचक्का जाम। दैनिक मजदूरी नहीं मिलने से आक्रोशित वेरीफायर ने सनोला अस्पताल में लेखपाल को बनाया बंधक, किया काम बाधित। कोरोना काल में काम किए गए वेरीफायर को मजदूरी नहीं मिलने के कारण कई के सामने भुखमरी की समस्या। सनोला अस्पताल के प्रभारी नहीं आए और फोन किया बंद। कोरोना काल में काम किए वेरीफायर व हायर एएनएम को दैनिक मजदूरी नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को सनोला अस्पताल के लेखपाल को बंधक बनाया और अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। अपनी दैनिक मजदूरी की मांग को लेकर गुरुवार को सनोला अस्पताल आए वेरीफायर ने बताया कि सनोला अस्पताल में 54 वेरीफायर व लगभग 50 हायर एएनएम ने कोरोना टीकाकरण में काम किया है, लेकिन कई बार अस्पताल प्रबंधन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम किए लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, जिससे अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। गौरतलब है इसके पूर्व भी लोगों ने सनोला अस्पताल के प्रभारी मैनेजर व बीसीएम को बंधक बना चुके हैं। बातचीत में वेरीफायर ज्योतिष कुमार ने बताया कि उन्होंने 73 दिन काम किया है। मनीष ने बताया उन्होंने 63 दिन, रोहित ने बताया 109 दिन उन्होंने काम किया है, पर एक रुपया अभी तक नहीं मिला है। वेरीफायर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि सनोला अस्पताल के पूर्व मैनेजर, बीसीएम और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कुछ दिन काम करने के बाद बोले थे कि अब सिर्फ बाइक वाला ही वेरीफायर में ही काम करेगा। अस्पताल प्रबंधन के इस आदेश के बाद कुछ वेरीफायर ने अपनी जमीन गिरवी रखकर बाइक किस्त पर ले लिया। कुछ ने जमीन बेचकर बाइक खरीदी ताकि सही तरीके से काम कर सकें, पर सनोला अस्पताल में काम करने के बावजूद भी मजदूरी के लिए 4 महीने से दौड़ाया जा रहा है। कई वेरीफायर ने दबे जुबान से बताया कि अब अस्पताल द्वारा मजदूरी नहीं दिए जाने के कारण, किस्त नहीं भरने के कारण गाड़ी बेच रहे हैं। वेरीफायर ने बताया कि एक के साथ नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ हुआ है। अस्पताल पहुंचे वेरीफायर अंकित राज, कुंज बिहारी, सोनू कुमार, अंकित कुमार, सूरज कुमार, ज्योतिष कुमार, पिंटू कुमार ने बताया कि मार्च तक सबको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। वेरीफायर ने बताया कि सनोला अस्पताल के बीसीएम अनंत कुमार वेरीफायर को ड्यूटी बांटते थे और सुबह से लेकर रात तक काम कराते थे। जगत न्यूज 24 बिहार से आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। जब तक भोजर उपस्थापित नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं, बिना भोजर उपस्थापित हुए हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं? अरे ठीक है, तब सिविल सर्जन आप लोगों को बोला है ना अभी तक देते हैं लाके हम लोग भोजर सर, अभी भोजर ला जाते हैं। आप कौन होते हैं भोजर देने वाले? वही फिर हो गया सर। आपको किसान देंगे? बीएचएम प्रभारी से चाहिए, यानी कि आपको भोजर, आपको प्रभारी भोजर देंगे? प्रभारी से नहीं चाहिए, तब किससे चाहिए? बीएचएम कौन है? कौन है बीएचएम? जो उस समय काम करवाए वो लेवल, उस समय काम के करवाए थे मोहम्मद राशिद मंजूर। राशिद मंजूर यहाँ से चले गए हैं? चले गए हैं तो अपना प्रभाव, उसके जगह पे अभी कौन है? कोई नहीं है। बीसीएम है उसके जगह पे, लिखित नहीं है। आप बोलिएगा नहीं मानेंगे। जब सारा कुछ आप जान ही रहे हैं तो फिर हमसे पूछने का? तब राशिद मंजूर यहाँ से चला गया तो इसका क्या पेमेंट भी चला गया इन लोगों का? नहीं, पेमेंट बिल्कुल नहीं। जब वो वहाँ से आके आपको थोड़े देने वाला है? चार्ज देंगे, और जब चार्ज देने के उपरांत ही ये कौशल नहीं देंगे तब तो हॉस्पिटल का कार्य नहीं होता होगा। वो चार्ज नहीं दिए हैं तो तब तो वो जो कार्य करते थे हॉस्पिटल का कार्य बंद होगा। राशिद मंजूर जो कार्य सनोला अस्पताल में कर रहे थे अभी वो नहीं है क्या? अभी उनका वो कार्य यहाँ पे बंद है क्या? ये बता सकते हैं आप कि जिस आदमी का ट्रांसफर हो जाता है वो बिना प्रभार दिए लेवल हो जाता है, बड़ी हो जाता है? आप ये बताइए ना, वो जो कार्य कर रहे थे क्या वो कार्य अभी यहाँ पे हो रहा है या बंद है? बंद है बता। नहीं, करंट में चलेगा, इतना भी चलेगा? किनके प्रभार में चल रहा है? वो जिम्मेदार है, उनके जगह पे वो अगर कारोबार संभाल रहे हैं तो वो ना हिसाब किताब देंगे? राशिद मंजूर आके कहाँ से देंगे? वो तो चले गए। प्रभार तो उन्हीं को देना है ना? नहीं देंगे वो, तब 6 महीना हो गया उनका जाने से, उसको जिसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है ये आप तय कर लीजिए। आप ज्यादा अच्छा जान रहे हैं। कई बार दिए भोजर पता नहीं गिनती न, 6-7 बार से ज्यादा दे दिए। किसको बोला था? आपको बोला था?